देश की बेटियों के लिए खुशखबरी है। रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में सरकार के प्रयासों के साथ रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021 से 2022 से लड़कियों को सैन्य स्कूलों में भर्ती करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जामनगर के पास सैनिक स्कूल बलाचड़ी भी अगले शैक्षणिक सत्र से छठी कक्षा में लड़कियों को स्वीकार करेगा। गुजरात का एकमात्र सैनिक स्कूल जामनगर जिले के बलाचड़ी में स्थित है। दर्शनीय तट के पास एक 296 एकड़ के सैन्य स्कूल में निर्मित सैन्य स्कूल राज्य भर के बच्चों को सैन्य शिक्षा के साथ तैयार करता है, जो यहां प्रशिक्षण के बाद आईपीएस, आईएएस या सेना या अन्य उच्च रैंक में विभिन्न पदों पर नियुक्त होते जा रहे हैं। जामनगर से लगभग 27 किलोमीटर दूर सैनिक स्कूल बलाचड़ी, जिसके प्रवेश के पहले चरणों पर पहला मंत्र सर्व के साथ उम्मिलिटी है, जो इस आदर्श को सही साबित करता है। सभी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यह लीडर गैलरी उन छात्रों के लिए एक विशेष प्रेरणा बनी हुई है जो अध्ययन के अर्थ में लगे हुए हैं, जहां वह विभिन्न गाइडों के माध्यम से भारतीय के रक्षा कार्य के लिए तैयार है। स्कूल अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, जिसमें इसके फ्रंट पेज के अलावा एक और इतिहास है। स्कूल जिसने इस वर्ष से केवल लड़कों को भर्ती किया है, अब लड़कियों को भी स्वीकार करेगा, ताकि इस विद्यालय में नामांकित लड़कियां सभी प्रकार के प्रशिक्षण लेंगी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर भारतीय सेवा में करेंगी। देश भर में महिला सशक्तिकरण के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाने के साथ वह समय दूर नहीं है जब लड़कियों को भी सैनिकों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा और देश की सीमाओं पर सेवा दी जाएगी। मुझे गर्व है वह यह कह कि वह समय से दूर नहीं है जब सभी पूरी तरह से प्रशिक्षित छात्रों के साथ साथ देश की बेटियों को भी देश का सिर बढ़ाने और देश सेवा में शामिल होने के लिए गर्व होगा। बातचीत कर दिया सर, कोई बात नहीं हमारे साथ बातचीत कर दिया। तो हमारा जो सैनिक स्कूल है उसने पिछले गए सालों में 400 से ज्यादा सैन्य अधिकारी देखे हुए और इस साल भी हमारे 38 बच्चों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम क्लियर किया और 12 बच्चे जो है वो ऑल इंडिया मेरिट में आए हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए इस साल, जिनमें से 10 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके। आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर मनु अरोड़ा, वाइस प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचड़ी। सर, खास करके लड़कियों को एडमिशन का जो बालाचड़ी में दिया गया है, क्या है बताइए। सैनिक स्कूल बालाचड़ी रक्षा मंत्रालय के अंदर गुजरात का एकमात्र सैनिक स्कूल है जो अभी तक लड़कों को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से भारतीय सेनाओं में अधिकारी के रूप से नेशनल डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार करता था। पर इस साल से ये एक बहुत हिस्टोरिक साल है, क्योंकि इस साल से वुमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के चलते हुए 10 बच्चियों को छठी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। खास करके अच्छा, जिनका एग्जाम जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है हमारा, वो 10 जनवरी 2021 को होगा। उसके फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, 19 नवंबर तक वो फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसमें इस साल 10 लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा छठी क्लास। सर, खास करके किस कैटेगरी में ये एडमिशन रहेगा, किस तरह की प्रोसीजर रहेगी इसका? जो कैटेगरी और प्रोसीजर जो है वो सारी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे हमारी अवेलेबल है। इसमें कोई लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं, सब कैटेगरीज में सीट दी जाएगी, जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, स्टेट कैटेगरी, अदर स्टेट कैटेगरी, हर कैटेगरी में लड़कियों को एडमिशन दिया जाए। सर, खास करके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कोई बदलाव या ऐसे लड़कियों के हिसाब से कुछ किया गया है या वही है उसी हिसाब? अभी जो हमारी गाइडलाइंस है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें फीस स्ट्रक्चर जो है वो सब बराबर है लड़के और लड़कियों के लिए। अगर हमें गुजरात सरकार की तरफ से या भारतीय सरकार की तरफ से कोई निर्देश मिलेंगे तो वो पेरेंट्स को बता दिया जाए। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।